मंत्री सुरेश प्रभु ने शनिवार को रेल में सफर कर रही एक लड़की का ट्वीट पढ़कर रेल अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। कार्रवाई के बाद युवती यात्री को सीट मिल गई और मंचलों से पीछा छूटा। पुलिस के अनुसार पटना से नई दिल्ली जा रही श्रमजीवी एक्सप्रेस के कोच नंबर S11 में सवार एक युवती को जब कुछ मंचलों ने छेड़ा तो उसने दिलेरी दिखाते हुए अपने अपने मोबाइल से ट्वीट कर उसकी शिकायत रेल मंत्री और रेल मंत्रालय से कर दी। दानापुर रेल मंडल के प्रवक्ता संदीप कुमार सिंह ने बताया कि रेल मंत्रालय से सूचना के बाद ट्रेन को आरा में रोककर शिकायत की जांच कराई गई और पीड़ित युवती को उसकी आरक्षित सीट उपलब्ध कराई गई। आरा रेल थाना के प्रभारी परशुराम ने बताया कि लखनऊ में आयोजित एक प्रतियोगिता परीक्षा के कारण ट्रेन में परीक्षा यात्री की काफी भीड़ थी। S11 के कोच में बिना आरक्षण वाले कई यात्री घुस गए। सफर के दौरान कुछ मंचले युवक युवती की सीट पर बैठ और उनके साथ छेड़छाड़ का प्रयास करने लगे। युवती ने इसके विरोध के बावजूद मंचले जब नहीं माने, युवती ने अपनी मोबाइल से ट्वीट कर उसकी जानकारी सीधे सुरेश प्रभु को दी। उन्होंने कहा कि आरा में ट्रेन के रुकते ही आरोपी युवक फरार हो गए और उस बोगी से सभी गैर आरक्षण वाले युवकों को उतार दिया गया, फिर ट्रेन को रवाना किया गया। इस मामले की कोई प्राथमिक दर्ज नहीं की गई है। इससे पहले भी रेल मंत्रालय यात्रियों की शिकायत पर ठोस कदम उठा चुके हैं।